अजमेर के मैरा मैशन लोगिया मोहल्ले में बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और अन्य संगठनों द्वारा बैठक रखी गई है। इस मीटिंग में दरगाह के खादिम सैयद फकर काजमी और सैयद मुनव्वर नियाजी चिश्ती ने सभी धर्मों के लोगों से मॉब लिंचिंग के विरोध आगामी 5 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन में आने की अपील की है। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक गुलाब सिंह चितोड़िया ने बताया है कि अजमेर में जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और अन्य संगठनों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 550 जिलों में एक साथ धरना प्रदर्शन होगा। इस मीटिंग में आरिफ हुसैन, एडवोकेट रागिब चिश्ती, अब्दुल कादिर, रफीक खान, जावेद अजीज, बाबू घोषी, मोहम्मद इरफान सहित अन्य लोग मौजूद रहे हैं। पाँच तारीख को जुमे के दिन पूरे देश में 555 जिलों के अंदर एक शांति मार्च और धरना दिया जाएगा, जिसके अंदर नाजायज़ तरीके से हमारे बच्चों को बम लॉन्चिंग करके मारा जा रहा है। उसके ख़िलाफ़ सरकार की आँखें खोलने के लिए हम और बहुजन समाज के लोग एक साथ इस धरने में शिरकत कर रहे हैं और मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें ताकि सरकार की आँख खुले और ये जुल्म बंद हो। ये धरना कब से कब तक करेगा? ये सुबह 11 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक रहेगा और कलेक्ट्री पर रहेगा, खासकर अजमेर में कलेक्ट्री मस्जिद से शुरू होगा और कलेक्ट्री तक रहेगा। इनमें कौन कौन लोग होंगे? इसमें तमाम हमारे धर्म के लोग होंगे और बहुजन समाज के भी लोग होंगे, जो तमाम लोग इसमें शिरकत बराबर से करने के लिए तैयार हैं और वो लोग धरना देंगे। हम लोग अपना ज्ञापन जो है कलेक्टर साहब को देंगे। नाम बताइए। मैं गद्दी नशीन गरीबनाथ पीर सैयद फखर। के दिन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ये धरना पूरे देशव्यापी देश के 555 जिलों में एक साथ होगा। तो मैं आप लोगों से ये तहे दिल से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी जात से हों। ये धरना जो है हमारे देश के अंदर जिस तरीके से अराजकता हो रही है और मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, ये उसके विरोध में सरकार के सामने हमारी तरफ से, हम सब धर्मों के लोगों की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन है ताकि सरकार को हमारी बातों का पता चले, हमारी तकलीफ़ों का पता चले और इस धरने को बहुजन समाज के तमाम लोग और मुस्लिम समाज के तमाम लोग और हर संप्रदाय के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस धरने को कामयाब बनाएं और इस धरने को जिस हम लोग जिस सोच से और जिस नीयत से इसको कर रहे हैं इसको